नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम जी हैं, सच्ची सुत होइलो से ही बलराम होइलो निताई, भगवान ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और भगवान बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो आज भगवान नित्यानंद प्रभु बलराम जी का आविर्भाव दिन है और भगवान नित्यानंद प्रभु को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधाम मायापुर में, एक्चुअली भगवान नित्यानंद प्रभु बड़े भाई हैं, बलराम इज एल्डर ब्रदर, राइट। तो भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव पहले हो गया था भगवान चैतन्य महाप्रभु से 12 वर्ष पहले, इज एल्डर बाई 12 इयर्स। और भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था अढ़ाई पंडित और पद्मावती, उनके माता पिता बंगाल के एक गांव में। तो भगवान नित्यानंद प्रभु की अनेक लीलाएं बचपन में, जब भगवान नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष के थे तो उनके घर पर एक साधु आए लक्ष्मीपति तीर्थ उनका नाम था, और उनके पिता ने साधु की बहुत सेवा की और साधु महाराज ने चलते समय कहा, पिता ने कहा कि मैं आपकी और कुछ सेवा करूँ, आपको कुछ मैं चैरिटी दूँ, दान दूँ। तो साधु बाबा ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ अर्पण करो। उनके पिता ने कहा बताइए क्या दूँ, और साधु ने कहा आप अपना पुत्र मुझको दे दो। When his son was 12 years, पढ़ाई हो जा इस फादर, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को वचन दिया था, so he did not go back। और उन्होंने उन ब्राह्मण देव के साथ अपने पुत्र को कर दिया, नित्यानंद प्रभु at the age of 12, he left the house। और उनके साथ उन्होंने सारे पवित्र तीर्थ स्थलों को दर्शन किया और पवित्र किया। जब हम सब तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हम अपने पाप वहां छोड़ के आते हैं, तो सारे तीर्थ भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पास इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज हो गया पाप का, पाप इतने सारे जमा हो गए। तो भगवान नित्यानंद प्रभु गए, सारे तीर्थों से सारा पाप उन्होंने संग्रह कर लिया, डिलीवर्ड ऑल द थिंग्स। तो इस प्रकार से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने श्रीधाम मायापुर में संकीर्तन अभियान प्रारंभ किया, तब भगवान नित्यानंद प्रभु मायापुर धाम आए। और भगवान नित्यानंद प्रभु और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वहां पर मिलन हुआ, अत्यंत सुंदर घटना हुई। और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी, श्री हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों मित्र थे, तो उनको बुला करके कहा हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी आज्ञा को सुनो। और ये आज्ञा दी प्रत्येक घर घर में जाकर के, प्रत्येक घर घर में जाकर के एक भीख मांगो। भीख मांगना तो स्वाभाविक है, सब कोई मांगते हैं। तो ये विशेष प्रकार की भीख है, दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ भिक्षा। वो भिक्षा है उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके ये कहो हे जीव, मुझ पर दया करके एक बार भगवान का नाम अपनी जीभ से ले लो। कौन सी भीख मांगनी है? एक बार कृष्ण का नाम अपनी जीभ पर आ जाए। जब वो जीव एक बार कृष्ण का नाम बोले तो मैं पूर्ण संतुष्ट हूं,
क्योंकि इसी के द्वारा संसार के सारे जीवों के समस्त दुखों का समूल नाश होगा, समस्त दुखों का अप्रूटेड कंप्लीटली फ्रॉम द रूट, दे विल बी फिनिश्ड फॉरएवर। सो प्लीज गो एंड डू दिस फेवर टू मी। यह आज्ञा दी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको। हाँ, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, हमार आज्ञा प्रति घरे घरे करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। क्या कहा? बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये इंस्ट्रक्शन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दिया, और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं, और आप जानते हैं बलराम जी आदि गुरु हैं, इज द ओरिजिनल गुरु, इज द ओरिजिनल गुरु। उन्हीं का एक विस्तार है महाविष्णु, उन्हीं के विस्तार है गर्भोदक्षाई विष्णु, उन्हीं के विस्तार है शिरोदक्षाई विष्णु, उन्हीं के विस्तार है अनंत शेष। तो इतने महान है वो। आज भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है, और नित्यानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके पहले नित्यानंद प्रभु ने 32 वर्षों तक भारत के इतने सारे क्षेत्रों का भ्रमण किया, और 32 ईयर्स, परंतु एक भी जगह प्रचार नहीं किया। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। साक्षात बलराम जी आदि गुरु हैं, और उन्होंने एक भी जगह प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो भक्त है आदेश को प्राप्त करके कार्य करता है, बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस हैज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, मर्सी ऑफ द गुरु। तो लॉर्ड नित्यानंद प्रभु द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, ही स्टार्टेड प्रीचिंग ये नगर संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रत्येक घर घर में जाकर के लोगों को प्रेरित किया भगवान के नाम संकीर्तन के लिए, भगवान के जप के लिए। घर घर में प्रचार केंद्र खोल दिया, घर घर में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। व्हाट इज कॉल्ड? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ेगा कुछ प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो आप बेचैन हो जाते हो, कौन इतनी दूर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा एवरी टाउन एंड विलेज। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा? हाँ, आप पढ़िए लीलामृत। श्रील प्रभुपाद ने कहा एवरी टाउन एंड विलेज, सब जगह हमारे सेंटर खोलेंगे। यह है भगवान के दिव्य नाम के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हम और कुछ थोड़ी ना करते हैं, हम एक ही सेवा है, हमारी एक ही कार्य है, जो आता है उनको ये सिखाना है, देखिए भगवान के दिव्य नाम का जप कीजिए, ये कीर्तन कीजिए, बस यही हमारा काम है। तो ये भगवान नित्यानंद प्रभु के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो ये कीर्तन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित, अत्यंत सुंदर, भगवान के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बारे में, पेज नंबर 60। और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में एक सोल सेलिंग एजेंट होता है। क्या होता है? हाँ, वो एजेंट को कमीशन मिलता है, जितनी सेल्स ज्यादा होती है एजेंट को उतना ज्यादा कमीशन मिलता है। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यह है श्रील प्रभुपाद जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हाँ, और हम सब है कमीशन एजेंट, हम सब है। यहाँ पर जो भी आदमी आता है आप उसको ये भगवान का नाम दो, ये बेचो, ठीक है।
कोई भी शॉप में एक सेल्समैन बेचता है तो हमको भी उनको बेचना है, और इसको बेचने के लिए कुछ धन की आवश्यकता नहीं है, धन नहीं लेना है, ये फ्री में दिया जाता है, फ्री में बेचना है, ठीक है। इसकी क्या कंडीशंस है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतला रहे हैं इस कीर्तन में, पेज नंबर 60, वेरी लाउडली एवरीवन, आज ये अत्यंत सुंदर दिन है। बड़ो सुखे खबर गाय, 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 सुरा भी गुंजे ते नाम रात भूले के, सुरा भी गुंजे ते नाम रात भूले के, I'm not afraid of the dark.
भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने जगह जगह पर भगवान के नाम के ये बाजार खोल दिए हैं, जहां से लोगों को सरलता के साथ भगवान का नाम मिल सकता है। डरो मत, इन बाजार में मुफ्त में मिलता है ये नाम, सिर्फ आपके हृदय में थोड़ी श्रद्धा चाहिए। ये भौतिक संसार का धन नहीं चाहिए, थोड़ी श्रद्धा चाहिए। यदि आपके हृदय में थोड़ी श्रद्धा है तो आप श्रद्धा के साथ वहां पर निवेदन कीजिए और भगवान नित्यानंद प्रभु आपको बहुत सारा नाम दे देंगे। लो, यदि आपको नाम खरीदना है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको सबसे बड़े नाम के व्यापारी के पास लेके चलता हूं, जिनके पास अपरिमित मात्रा में नाम ही नाम है, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। आप वहां पर जाकर के आपस में बात करके सौदा कर लेना, और आप जब सौदा कर लोगे तो मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा, मेरी दस्तूरी मिल जाएगी, मैं कमीशन में संतुष्ट हूं। भगवान नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं। देखिए, थोड़ी सी श्रद्धा होने पर भी तुरंत हमको भगवान का नाम देने के लिए तत्पर है। जब कोई शुद्ध मन से भगवान का नाम कीर्तन करता है तो उसकी आंखों में जल आता है, अश्रु आते हैं, और भगवान नित्यानंद प्रभु इसे देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में किसी भी चीज की अपेक्षा न करें, जाति का अभिमान छोड़ दें, कुल का अभिमान छोड़ दें, धन का अभिमान छोड़ दें, इन सब झूठे अभिमान को छोड़ करके एकमात्र भगवान के नाम की शरण ले। कहीं पर भी रहें, घर में रहें या जंगल में रहना पड़े या सड़क पर सोना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं है। जहां पर है वहां पर प्रेम पूर्वक भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं कि वो कुछ भी नहीं देखते, ना आपकी जाति पूछने वाले हैं, ना धर्म पूछने वाले हैं, ना आपका आर्थिक स्तर देखने वाले हैं। वो तो एक चंडाल को भी भगवान का नाम देने के लिए तत्पर है, तत्पर है, तैयार नहीं है, तत्पर, ईगर, ओ यस, इट। उन्हीं के एक सबसे बड़े एजेंट है इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु का। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबको दिया, शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, द्वार, दुराचारी, सबको दिया, और इसका प्रभाव क्या हुआ, वो नाम के जप से सब परमहंस साधु बन गए। जगाई मदाई को उन्होंने दिया, जगाई मदाई जगदानंद माधवानंद बन गए, जगाई मदाई जगदानंद। तो यही हिस्ट्री है हमारी, यही प्रमाणिक हिस्ट्री है। कोई भी हो ले आओ, कैसा भी हो ले आओ, किसी भी परिस्थिति में हो आ जाओ, सिर्फ भगवान के दिव्य नाम उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इससे जीवन सफल हो जाएगा।
भगवान नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा। आज हम भगवान नित्यानंद प्रभु का एक और कीर्तन गाएंगे, पेज नंबर 65। और आप लोगों से कंप्लेन है, आप लोग बहुत धीरे धीरे गा रहे हो,